नमस्कार मित्रों, जीके एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो खत्म हो बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, साथ साथ में कमेंट करते रहना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल पर क्लिक करना, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। चार ऑप्शन है दोस्तों, किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, क्षेत्रफल का तो 61% है और जनसंख्या का 40% है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल तो वो तो है 61%, और जनसंख्या कितनी प्रभावित है थार मरुस्थल से, वो है 40%। तो एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, राजस्थान में लौटते मानसून का समय है क्या है। अक्टूबर से दिसंबर तक, मार्च से जून तक, जुलाई से अगस्त तक और जनवरी से फरवरी तक। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। बारा, प्रतापगढ़, अजमेर और उदयपुर। जल्दी जल्दी साथ साथ कमेंट करते रहिए, बांस मुख्य कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, उदयपुर में पाया जाता है। तीन नंबर क्वेश्चन का चार नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर प्रतापगढ़ और उदयपुर बांसवाड़ा। तो कौन से जिलों को सबसे ज़्यादा प्राप्त युगम को प्राप्त होता है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या रहेगा, उदयपुर डूंगरपुर। चार नंबर क्वेश्चन का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है। अनार, माल्टा, चीकू और आम। तो दोस्तों राजस्थान में सिरोही जिले द्वारा कौन सा फल मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है, राइट आंसर क्या रहेगा, चीकू। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पाँच का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर छः, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। विजय सिंह पथिक, भंवरलाल सर्राफ, जी डी बिड़ला और जमुना लाल बजाज। तो 1938 में कौन थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, राइट आंसर क्या रहेगा, जमुना लाल बजाज। चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छः का एकदम राइट रहेगा। नीचे लिखा है दोस्तों मैंने, जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 और 9 मई 1938 को जयपुर में आयोजित किया गया। कब किया गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कब किया गया, 8 और 9 मई 1938 को जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप 5 का। जिन दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, और जिन्होंने एक नंबर, दो नंबर, तीन और चार नंबर ग्रुप ज्वाइन कर रखा वो ज्वाइन ना करें। ठीक है, सभी में एक जैसी पीडीएफ फाइल मिले तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हो सके मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा पिन करके, तो आपको वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था। 1989, 1990, 1992 और 1991। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कब दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1989 में। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सात का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जामडोली जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर, झोटवाड़ा जयपुर और बस्सी जयपुर। तो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर, जामडोली जयपुर में। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आठ का एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। हरिश्चंद्र, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम और देवराज। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर नौ का तीन नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1460 का सूत्रधार है। महेश्वर, जगन्नाथ राय, जगत सिंह और राणा कुंभा। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, महेश्वर। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम राइट रहेगा। दोस्तों आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी, पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको दोस्तों www.bookart.com पे विजिट करना चाहिए, BOOK है, bookart.com। आपको कंप्लीट स्टडी गाइड भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे और शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे। 200 रुपये से ज़्यादा की आप ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी रहेगा, यानी डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। राजस्थान हाईकोर्ट की बुक्स लेते हो तो 10 अलग अलग ऑफर चल रहे हैं, जिनमें एक 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है। तो आप अभी जाइए जल्दी से जल्दी, अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो बुक परचेज़ कर लेना। बहुत सारी गाइड है आपको राजस्थान में, जितनी वैकेंसीज रहती है सभी की गाइड मिल जाएगी। तो अब जो जो मासिक भी रहती है करंट की वो भी मिलेगी, ईयरली हाफ ईयरली सब मिलेगी। तो हर टाइप की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पीलो मोलो भीनमाल, जांगल बीकानेर और मांडवपुर जोधपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पीलो मोलो भीनमाल, 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है कौन सा है? सागवाड़ा, रास्तापाल, खड़लाई और खेरवाड़ा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का? वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रास्ता पाल। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, मेधाराम वेद और मीठालाल व्यास। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? माणिक्यलाल वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? अलवर, बिजोलिया, बेंगू और सीकर। क्या राइट आंसर रहेगा? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिजोलिया से। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वीर सतसई, बल विद्युलास और रामबन जाट के लेखक हैं कौन है? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, जगदीश सिंह गहलोत और श्यामल दास। कौन है दोस्तों? राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नोखला दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर और रणथंभौर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नोखला दरवाजा राजस्थान के किस किले का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रणथंभौर किले का। क्वेश्चन नंबर 16 का 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? किससे हुई? आबानेरी, कंसुआ, बुचकला या फिर किराड़ू। किस मंदिर से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई? तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का? आबानेरी। 1 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित किया गया है, मल्लीनाथ जी गागरौन, बाबूजी कोलीगांव, तेजाजी खरनाल और रामदेव जी रामदेवरा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी गागरौन। 18 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही, यानी ये गलत है। आपको बताना है दोस्तों कमेंट में क्या रहेगा मल्लीनाथ जी का कहाँ पर है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 1 नंबर ऑप्शन एकदम राइट। ईमानदारी से बताना दोस्तों, अपने किसी का देख के मत बताना, अगर आपको आता है तो ही कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, कौन रहे हैं? श्रवणनाथ जी, जिनसेन जी, भिखण जी और धरणी वराह जी। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, कौन रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? जल्दी से कमेंट कीजिए, साथ साथ में कमेंट करते रहिए दोस्तों, बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, आपका भी सही है। तो राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, कौन रहे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिखण जी। 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सोच के जवाब देना दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्यौहारों के बारे में सही है? सही है पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना, गलत नहीं पूछा। अक्षय तृतीया है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है, अक्षय तृतीया है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है और निर्जला एकादशी है वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है दोस्तों देखिए? से और दे, ए और बे, ए और दे या फिर केवल से।
तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसके बाद बताना दोस्तों आपके 20 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन ए और बे, यानी अक्षय तृतीया है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है, एक नंबर और दो नंबर एकदम सही रहेगा। अब आप बताना दोस्तों अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी कब आती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कब आती है अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी। आपको आता है आंसर तो ही देना दोस्तों, किसी का देख के नहीं बताना, कमेंट तभी करना जब आपको इसका आंसर आ रहा है, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताना। और दोस्तों आज कुछ अलग हटके क्वेश्चन लेके आए थे, तो वीडियो आपको पसंद आया है लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, एक साथ आप पांच ग्रुप में भेज सकते हो, तो एक ही बार आपको थोड़ा कष्ट होगा, जरूर भेजना। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, पीडीएफ फाइल चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक का, बुक परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।